राज्य में ओबीसी समुदाय का आरक्षण बढ़ाने, देश में जातीय जनगणना कराने व देश में हो रहे अंधाधुंध निजीकरण पर रोक लगाने को लेकर हरमू स्थित राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा प्रदेश कार्यालय में एक दिवसीय उपवास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कहा, कल से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा की मांग है कि ओबीसी समुदाय के आरक्षण बढ़ाने की दिशा में हेमंत सरकार काम करे। आसन्न विधानसभा के पूर्व राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा पूरे राज्य में एक दिवसीय उपवास घर मकान दुकान कार्यालय में रखा है और उसी क्रम में राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने भी के प्रदेश कार्यालय में यहाँ उपवास में रख रहा हूँ। और तीन महत्वपूर्ण मांगे हैं, जनसंख्या अनुपात में 50% आरक्षण देने, देश में जातीय आधारित जनगणना कराने और अंधाधुंध हो रहे देश में की संपत्ति को निजीकरण पर रोक लगाने की मांग को लेकर हम लोग बैठे हुए हैं। और माननीय सभी विधायकों से अपील है कि वे विधानसभा सत्र में इस मामले को उठाएं और जो राज्य के मामले हैं राज्य में समाधान करें और जो केंद्र का मामला है वहां पर वो प्रस्ताव को भेजें।